हेलो एवरीवन, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज दिवाली के लिए बहुत ही यम्मी क्विक और 3 चम्मच काजू से बनने वाली एकदम बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है स्वीट की। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल पीनट्स लेने हैं, ठीक है। इनको अच्छे से फ्राई कर रोस्ट कर लीजिएगा और जैसे इनका छिलका उतरने लग जाए बंद कर दीजिएगा, ठीक है। हल्का सा चाहिए मेरे को रोस्ट करके। फिर उसके बाद एक क्लोथ पे निकाल के, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उस पर निकाल के उसको अच्छे से ना इसके जो ऊपर की रेड परत होती है उसको हटा लेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले 3 चम्मच काजू ज़रूर डालिएगा। मेरे पास टुकड़ा काजू थे तो मैंने वो डाले, तो 3 चम्मच काजू, ठीक है। बस अब हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। देखिए ये तैयार है। अब शुगर सिरप के लिए मैंने 3/4 बाउल चीनी और 1/4 बाउल पानी लिया था। उसको अच्छे से एक तार बना दिया। देखिए उसको मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से। एक तार हल्का ही है बिल्कुल, ठीक है, मतलब बिल्कुल टूटता हुआ सा तार है। बस इतना ही चाहिए हमें, थिक तार नहीं बनाइएगा, ठीक है। इसमें सारा जो भी हमने मिक्सचर डाला था वो सब डाल दिया है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और है इसमें काजू के साथ में, जिससे बहुत ही यम्मी टेस्ट आएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें पीनट्स डले हुए हैं। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है कि इसमें जो हमने मूंगफली डाली है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा टेस्ट। देखिए ये हो चुकी है क्योंकि ये कढ़ाई छोड़ दी है इसने, पैन को छोड़ दिया है। तो अब ये तैयार है, अब इसको हम निकाल लेंगे। बस 2 से 3 मिनट और ये हो गई, बंद कर दिया मैंने गैस। ये मैंने बटर पेपर पे ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करना ज़रूरी है वरना ये चिपक जाए, बेटर है कि ग्रीस कर लो, ठीक है। तो मैंने, आपके ऊपर है आप कैसे भी शेप दे सकते हो, मैंने थोड़ा इस टाइप की शेप दी है, ठीक है। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगाऊंगी और थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो बनी ना ये एकदम क्विक और एकदम बढ़िया सी है ना, लग रही है ना बढ़िया। तो आप भी बनाइए इस वाली, बहुत ही यम्मी लगती है। आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मैं नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।